गोंडा स्टेशन की तरफ जाने वाली ट्रेनें 17 मई से 8 जून तक निरस्त रहेंगी, जिसके संबंध में पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने बताया कि गोंडा स्टेशन के यार्ड रिमॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है, जो कि पूर्वोत्तर रेलवे का बड़ा यार्ड है, जिसको देखते हुए गोरखपुर की जोमे लाइन की जो ट्रेन है गोंडा होकर जाती है, साथ ही साथ लूप लाइन जो कि गोरखपुर से है वह भी गोंडा होकर जाती है। इसके अलावा एक लाइन गोंडा से होकर बहराई जाती है, जो कि बहुत ही व्यस्त यार्ड है। उन्होंने कहा कि गोंडा जंक्शन के रीमॉडलिंग का कार्य पहले से ही प्रस्तावित था, वह पूरा किया जा रहा है। इसके बाद गोंडा जंक्शन पर यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी, जो कि 8 जून तक पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के CPRO पंकज सिंह ने कहा, गोंडा यार्ड की NI का कार्य किया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे का यह एक बड़ा यार्ड है। गोरखपुर से जो भी मेन लाइन की ट्रेनें हैं सब गोंडा होकर जाती हैं, साथ ही साथ जो लूप लाइन है गोरखपुर से वो भी वाया गोंडा ही होकर जाती है। गोंडा से बहराइच के लिए भी एक लाइन जाती है, तो बहुत ही बिजी यार्ड है गोंडा का। और उसको ध्यान में रखते हुए इसके NI की प्लानिंग काफ़ी पहले से चल रही थी। उसके लिए कई कार्य होते हैं, जैसे RRI बिल्डिंग को बनाना, सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करना, ये सारे कार्य जो पहले से किए जाते हैं वो पूर्ण किए जा चुके हैं। इस NI के बाद यात्रा और सुगम होगी, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी।